खुला हुआ रोटी, मेरा छोटू मेरा टुनटुन क्या बोला, बैलून रोटी। ये देखिए नाइस दिख रहा है ना। हाँ ऐसे सोचे तो सुबह ही बना दिया था। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग, जरूर अच्छे होंगे। अभी क्या बताऊँ, दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है और हमको बाहर जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। एक तो बेटे का स्कूल रहता है, आज तो छुट्टी है लेकिन हस्बैंड जी का ड्यूटी है, इसलिए घर में कितना टाइम रूम में पड़े रहेगा। इसलिए मैंने सोचा मॉर्निंग वॉक के लिए ले आती हूँ। अभी मॉर्निंग वॉक कहते कहते हमने क्या देखा है, मतलब ऐसा लगा कि आप लोगों को भी दिखाने के लिए मन किया, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। आप लोग भी देखना, बहुत सुंदर नज़ारा है कैंपस के अंदर, इतना खूबसूरत चीज़ है। मैंने सोचा भी नहीं था, कभी मॉर्निंग के टाइम में ऐसे निकलते नहीं थे, शाम के टाइम में हम लोग वॉकिंग करते थे, शाम के टाइम में अंधेरा हो जाता, दिखाई भी नहीं देते थे, लेकिन आज निकला और देखा, इतना सुंदर चीज़ देखा है ना बेटा। क्या देखा आप लोग वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा, है कि नहीं। और कुछ बोलो, मैं ये नहीं बोला क्योंकि आप लोग अभी तक याद नहीं किए है ना, इसीलिए अगर याद नहीं किया तो फिर मत देखो वीडियो। ओहो हो, ये रूठा हुआ है। ठीक है, आप लोग देखना, मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाहती हूँ, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, अभी लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? अगर चैनल में नए आए हैं तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हाँ, आज हम लोग मॉर्निंग वॉक में जाए हैं और मेरा स्कूल बंद है क्योंकि दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हुआ है और गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिया है। जब तक पॉल्यूशन नहीं जाएगा तब तक क्यों, अपने मम्मी से बात कर लीजिए। इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रखा है, क्या करो, बच्चे रूम के अंदर क्या करेगा। इसलिए मैं आई हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। अभी हम बाहर तो नहीं जा सकते, कैंपस के अंदर ही मॉर्निंग वॉक करेंगे ना बाबा। हाँ, अभी आंटी को बुलाते, आंटी भी जा सकती है। ना ज्यादा पॉल्यूशन, मुझे तो घर ना अच्छा ही नहीं लगता, स्कूल जाना अच्छा लगता है। और अगर शहर में नहीं हो तो हमारे वीडियो को तो घर में रहता हूँ तो बोरिंग हो जाता हूँ, बोरिंग होने की वजह से मैं टीवी देखता हूँ और स्कूल जाने की वजह से मुझे अच्छा लगता है। लेकिन आज स्कूल ही नहीं है, क्या बताऊँ, वो तो दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन हुआ है और पता नहीं अभी ऐसे कौन से स्टेट पर पॉल्यूशन फैल जाएगा, वो भी चाइना के तया, जैसे कि कोरोना वायरस फैल गया। अभी इसके लिए हमको क्या कहना चाहिए, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, हमको कैसे रोकेंगे, आप क्या बताओगे बेटा? हम लोगों को इधर उधर थू नहीं फेंकना चाहिए। थू फेंकने से पोल्यूशन थोड़ी ना होता है, उसमें तो जर्म्स है ना, उसमें तो जर्म है, उससे पोल्यूशन नहीं होता है। पोल्यूशन वो गाय के धुएं से होता है, मतलब कि धुआं से, और साथ ही साथ उन सबको रोकने के लिए हम लोगों को नॉर्मल ड्राइव करना पड़ेगा, साइकिल से ऑफिस जाना पड़ेगा। और बताओ हाँ बताया, जरा सोच के बताने दो। और हाँ, हमें और एक नॉर्मल ड्राइव करना पड़ेगा जिससे पॉल्यूशन ना होता है, जैसे कि एक गाय जिससे धुआं ही नहीं निकलता है, बस कम धुआं निकलता है ना, उससे सयाओ। ये भी बताइए आप लोगों को, मैं मम्मी का वीडियो कैसे आता है। वैसे मैं अपना मम्मी के वीडियो के साथ ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा बड़े होने के बाद, और मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा अपना। अच्छा, हाँ और कुछ बताओ। और साथ ही ये कौन सा पौधा है हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ये पौधा है या ट्री है, मुझे कुछ पता नहीं है या। और इन सभी के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, जितने भी ये फूल पौधे और ट्री दिखे हैं वो सब कमेंट सेक्शन में बताओगे। और हाँ, अभी चैनल में आए हैं तो फिर लाइक जरूर करना, अगर लाइक नहीं किया ना तो फिर
क्यों भी देंगे वीडियो, हाँ मत देखो हमें क्या। और हाँ, मैं एक अपना ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें मिनी मिनी में जिसमें कौन नूब होगा, प्यो होगा और कौन हैकर होगा। अच्छा हाँ, अरे क्या है इस, ये सब जानते हो, ये सब प्लान किसका है? मुझे नहीं पता है। ये सब लेमन ट्री है, लेमन ट्री है, ठीक है। ये हाँ, आप ये देख सकते हैं, आप ये कौन सा पौधा है मुझे नहीं पता, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट नहीं, कमेंट कौन सा कमेंट बताओ तो। एक राउंड में कितना टाइम लगता है हमारे कैंपस के, कितना टाइम लगता है? अभी तो मम्मी ने बताया था आधा घंटा, आधा घंटा लगता है। और हाँ, ये हमारे कैंपस का ये दीवार है और साथ ही साथ हम आगे बढ़े हैं। और वो देखिए, अब वो कौन सा ट्री मुझे नहीं पता चल रहा, वो आप देख सकते हैं। हमारे कैंपस के अंदर ही इतना सारा पेड़ पौधा है, फूल है। देखिए ये फूलों का पेड़ कहाँ तक सर गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। देख के ही इसको मैंने वीडियो बनाने में लग गई। और आगे भी दिखाती हूँ, ये देखिए गुलाब का फूल कितना सुंदर खिल रहा है। और किस किस को गुलाब का फूल पसंद नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबको पसंद है गुलाब का फूल, ये वो भी लाल गुलाब, ये देखिए कितना सुंदर है। कहा थी मैं, ऐसा लगता है क्यों नहीं आई, आज पहली बार आई हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है, बच्चे का स्कूल और भी टाइम ही पार हो जाता है मॉर्निंग वॉक करने के लिए। आज तो स्कूल नहीं है इसलिए बच्चे को लेकर आ गए मॉर्निंग वॉक करने के लिए। ऐसे हम तो इवनिंग वॉक करते हैं। ये देखिए कितना अच्छी तरह खिलते हैं। और आप लोग भी बताना, आज का वीडियो इतना ऐसा ही है, आप लोग पक्का बताना मेरा वीडियो देख के कैसा लगता है।
मैं आपको एक बार पूछूं, इधर देखो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हमारे पूरे 11 है, लेकिन जो याद नहीं मारता मतलब कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं है। लेकिन आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है घर में? घर में टुनटुन है, मम्मा है और पापा है। अच्छा, पहले टुनटुन बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, ये टुनटुन कौन है? टुनटुन भाई है। किसका भाई है? हमारा। हमारा नहीं, मेरा। अच्छा, मॉर्निंग वर्क करने के बाद अभी मेरी मम्मी बनाई है रोटी। मैं हयो सुबह में रोटी और दूध के साथ खाता हूँ। आप लोग नाश्ते में क्या खाते और पीते ये हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे आप लोगों को रोटी पसंद है कि नहीं वो भी बताना, और मेरे बनाए हुआ रोटी आज मेरे बेटा दिखाएगा मैं कैसे बनाती हूँ। अब ये देखिए, एक साइड तो पक गया है, फिर दूसरा साइड पे पक गया है, फिर हम इसको थोड़ा गैस में ऐसे दे देंगे तो ये रोटी आराम से फूलेगा। ये देखिए कितना अच्छे तरह फूल रहा है। और फूला हुआ रोटी मेरा छोटू मेरा टुनटुन क्या बोला, बैलून रोटी। ये देखिए कितना नाइस दिख रहा है ना। हाँ।